I'm audible now, everyone. Okay, I think I'm audible now. Okay, fine. I'm audible now. Finally, I think स्क्रीन पे मेरी आवाज आ रही है. सी आई एम रियली सॉरी. एक्चुअली शुरू में क्लास थोड़ी सी देरी देरी से स्टार्ट हुई है और मुझे लगा कि काफ़ी टाइम ऑलरेडी जा चुका है और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है. ओके ओके ओके. म्यूट हो गया था गलती से, स्क्रीन म्यूट हो गया था. आई एम सॉरी फॉर योर कन्वीनियंस. चलिए फाइनली. चलिए ठीक है. फाइन फाइन. गुड मॉर्निंग टू ऑल. फाइनली आई एम ऑडिबल नाउ. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर से. शुड वी स्टार्ट द क्लास फाइनली? यस यस शशि ठीक है. सुगंधा ओके फाइन. नसरीन जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो मैं बता दूंगी लास्ट में आपको. इंफॉर्मेशन यही थी कि 4 बजे हम डिस्कस कर रहे हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में और अभी डिस्कस करें नेशनल मूवमेंट के बारे में. ठीक है ओके ओके. चलिए पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर है आपका. सवाल देखेंगे उसके बाद आप लोग जवाब देंगे. 30 सेकेंड मिलेंगे जवाब देने के लिए. चलिए. गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ओके अभिजीत दास कह रहे हैं बी. ओके चलिए फटाफट से अब जवाब देंगे. बहुत टाइम ऑलरेडी जा चुका है और क्लास को जल्दी से खत्म करेंगे ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच सके इसके लिए. ठीक है जी. बी बी बी. वेल डन टू ऑल. बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा. जवाहरलाल नेहरू. आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. थिंग्स आर टोटली आउट ऑफ माइंड. की आवाज भी आ सकती है. 2 बार दरअसल मैंने वीडियो ऑडियो चला दिया तो आई वॉज ऑलरेडी वेरी पैनिक कि कहीं क्लास मिस ना हो जाए आप लोगों के. चलिए वेल डन टू ऑल. और सबसे पहले जवाब यहाँ पे आया है मेरे पास अभिजीत दास का. अभिजीत वेल डन. क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर आपका रहेगा. एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट PDF से निकाल कर पढ़े आप लोग टेलीग्राम के चैनल से. ठीक है वहां से निकाल कर पढ़ एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा. और जो इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी वो मैं बता दूं आपको. आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ से आपके 7 से 8 सवाल कहीं नहीं जा रहे हैं और एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट और ये पूरी सीरीज अगर हम कर लेते हैं MCQs वाली तो उसको आप ध्यान में रख सकते हैं. ठीक है जी. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर रहेगा आपका. क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर है. 30 सेकंड दूंगी जवाब देने के लिए. फटाफट से जवाब देंगे आप लोग. चलिए सवाल है महात्मा गांधी ने भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम में सर्वप्रथम भूख हड़ताल कहाँ की थी? चंपारण खेड़ा अहमदाबाद दक्षिण अफ्रीका में. ए बी सी डी 4 ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर है आपके. क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा. अंकुश कह रहे हैं 2 का सी. सुगंधा वर्मा 2 का सी. सुगंधा ने जवाब दिया है. अंकुश ने सबसे तेज जवाब दिया है. देन नसरीन कह रही है 2 का सी. संगीता 2 का सी. आशा 2 का सी. सुनीधि 2 का सी. शशि 2 का सी. PDF टेलीग्राम पर कब आएगी? अंकुश जैसे ही क्लास खत्म होगी PDF वैसे चली जाएगी आपको. नमिता कह रही है सी. शशि 2 का सी. ठीक है जी. तो अहमदाबाद जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा. और यहाँ पे जवाब सबसे तेज दिया है मुझे. सबसे तेज जवाब मेरे पास आया है यहाँ पे यस अंकुश. विशाल शर्मा ने भी सी दिया है. ठीक है विशाल वेल डन. और उसके बाद जवाब आया है अंकुश का देन सुगंधा का तो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है जी. चलिए अगला सवाल देखते हैं स्क्रीन के ऊपर आपका.
क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर रहेगा आपका। देखिए एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इसलिए नहीं आपको करवा रही हूँ क्योंकि वो काफी लेंदी हो जाएगा, वहां पे जो पढ़ना है मैं मार्क करती जाऊंगी आपको, ठीक है? एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पीडीएफ निकाल कर पढ़ें आप लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर है आपका, एक बार सवाल पढ़ेंगे और उसके बाद जवाब देंगे आप। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के साथ 1756 की संधि द्वारा दे दी गई थी। शाह आलम टू, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, फ्रांसिस जोसेफ डुप्लेक्स। ठीक है, दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, जरूरी सवाल है, सवाल हमेशा यहाँ से बनता है, चाहे असर्शन में बने चाहे रीजंस में बने। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर रहेगा आपका। सुनिधि कह रही 3 का ए होना चाहिए। ओके यानी वो लास्ट 1 सेकेंड सर लेफ्ट होंगे। चलिए यस, ए विल बी द राइट आंसर, तो इसको आप देख पाएंगे, शाह आलम जो रहेगा इसका सही जवाब होगा। और ये रहा आपका बंगाल की दीवानी की जो राइट्स थे, तो इसको पढ़ लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सवाल यहाँ से बन सकता है, खासकर ये जो वाला पैराग्राफ है, एक ये वाला और एक आपका ये वाला पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये आप स्किप कर सकते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डाला है। तो आपका ये जो है ऊपर के सबसे पहले 2 पॉइंट्स, ये वाले 2 पॉइंट्स और ये वाले 2 पॉइंट्स जो लास्ट में है 1787, वहां से पढ़ सकते हैं। ये संगीता ऑलरेडी मेंशन था, पर फिर भी देखिए कई लोग यहाँ पे गलत जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर है आपका, जवाब आप दे पाएंगे एक बार, और आपके आखिरी 30 सेकेंड स्क्रीन के ऊपर है। भाषागत प्रांत, धर्म से राष्ट्र का पूर्ण पृथकीकरण, यानी रिलीजन और नेशन का आपस में अलगाव, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, निम्नलिखित में से कौन से अनुशंसा नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित है? यानी जिसको नेहरू रिपोर्ट के बारे में पता है वो आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएगा। 1928 की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन के ऊपर रहेगा। अंकुश कह रहे हैं 4 का डी होना चाहिए। अभिजीत दास कह रहे हैं डी, अंकुश कह रहे हैं डी होना चाहिए, सुगंधा वर्मा कह रही हैं डी होना चाहिए, जिस उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे सबसे तेज जवाब दिया है अभिजीत दास ने। अभिजीत वेल डन। ठीक है जी, तो आपका डी जो होगा उपरोक्त में से सभी सही जवाब हो जाएगा इसका बिल्कुल। और ये है आपका नेहरू रिपोर्ट क्या था, कैसे लागू हुआ, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और जवाब आप एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बस इतना रहेगा कि क्या क्या इसमें था, तो वो आपको बताना है, एक बार थोड़ा रीडिंग कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए वेल डन अभिजीत। और सबसे देरी से जवाब यहाँ पर आया है संगीता मित्रा का। संगीता थोड़ा सा कोशिश करें एक्यूरेसी वाले पार्ट को पढ़ाएं। सुगंधा, आशा, नमिता, नसरीन, वेल डन नसरीन, अंकुश है, देन अभिजीत है, वेल डन टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर है आपका, देख पा रहे होंगे, और टाइम आपका स्टार्ट होने जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सवाल को पढ़ें और जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपको कि सही वाला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर रहेगा आपका, सवाल देखेंगे देन जवाब देंगे। कांग्रेस के ज्यादातर प्रांतीय समितियों ने नेहरू की अध्यक्षता का विरोध किया था, विधानसभा के सभी सदस्यों को उनकी सीटों से इस्तीफा देने को कहा गया था, पहली गोल में सम्मेलन के कानूनी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा B.R. अंबेडकर को बतौर बाहरी निरीक्षक नियुक्त किया गया था। वेल डन आशा, आशा के लिए 5 का डी होना चाहिए, यानी 1 और 3 होना चाहिए। आशा एंड सुगंधा वर्मा का जवाब आया है सिर्फ मेरे पास, और आपके आखिरी 2 सेकेंड है स्क्रीन के ऊपर। प्रेम कह रहे हैं सी होना चाहिए, नमिता कह रहे हैं डी, गोविंद सोनी कह रहे हैं डी, अभिजीत दास कह रहे हैं ए। ओके संगीता, कोई बात नहीं, कोशिश करें, आने वाले सवालों को दोनों वर्जन अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में, PDF आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं आपका जवाब, यहाँ पे आपका ए होगा, विच इज आपका 1 और 2 दोनों सही है, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। और सही जवाब दिया है यहाँ पर सबसे पहले अभिजीत बल्डन एंड संगीता मैत्रा ने, और प्रेम ने, 3 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, और सिर्फ 3 ही लोगों ने जवाब दिया है, ये है अभिजीत, और उसके बाद दिया है यहाँ पे संगीता ने, और उससे पहले दिया है प्रेमा ने, सॉरी प्रेम ओनली, राइट, प्रेम गुप्ता ने।
थ्री ऑफ यू वेल डन, सिर्फ तीन ही तीन लोगों ने ही जवाब दिया है, वेल डन टू ऑल। ठीक है, ये आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कहाँ से मिलेगा आपको, मेरे पीडीएफ वाले चैनल से, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन के ऊपर है आपका, काफी अच्छा सवाल है, उम्मीद करती हूँ जवाब आप दे पाएंगे। शशि वेल डन, 30 सेकंड दूंगी जवाब देने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान रहे जो सवालों को मैं करा रही हूँ वो सवालों से ऑलरेडी एनटीए सवाल बना चुका है, ठीक है, तो आपका फोकस कॉन्सेप्ट्स वाले पार्ट पे होना चाहिए जो काफी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका स्क्रीन के ऊपर रहेगा, सवाल पढ़ेंगे और जवाब देंगे। श्रमजीवी अखबार किसने शुरू किया था, तो आप इसको देख पाएंगे। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम के चैनल पे अपना शेड्यूल भी डाल रखा है, तो अगर आपने वो देखा है तो जरा फीडबैक करके बताएं कि वो सही है, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप लोग उसमें। शशि वेल डन, काफी दिन बाद शशि ने बैकअप किया है पर अच्छी कोशिश के साथ, कह रहे हैं सी होना चाहिए, शशिपाद बनर्जी। ओके, गोविंद सोनी कह रहे हैं सी का 6 का बी, संगीता मेहता कह रही है 6 का 6 होना चाहिए, सी होना चाहिए, नसरीन अगेन सी, अभिजीत दास सी, प्रेम गुप्ता थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी आपने, नमिता कह रही है सी होना चाहिए एंड टाइम इज अबाउट टू ओवर नाउ। देख लेते हैं आपका सी यानी शशिपदा बनर्जी जो होंगे वो बिल्कुल सही जवाब होगा, और सुनिधि सुनिधि बी नहीं होगा, सी होगा इसका, सुगंधा बी नहीं है, सी रहेगा इसका। ठीक है, और क्यों रहेगा ये देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा तो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे शशि ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सबसे पहले जवाब दिया है, तो शशि वेल डन। ठीक है शशि, और यहाँ पे जवाब दिया है संगीता मैत्रा, वेल डन, नसरीन वेरी गुड, अभिजीत दास वेल डन, नमिता वेरी वेरी गुड। ठीक है, 4-5 लोगों के जवाब सही रहे हैं, टफ क्वेश्चन है, वो वही सॉल्व कर पाएंगे जो बेहतर से कर पाएंगे, जिन्होंने गलत जवाब दिया कोशिश करे दोबारा से एक बार रिवाइव करने की चीजों को, फैक्ट वाला पार्ट नहीं पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखें आप लोग। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डिमोटिवेट हो जाएं, आप जवाब दे रहे हैं वो बड़ी बात है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सही जवाब दें, बट आपका जवाब देना एक्यूरेसी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका सवाल में। ज्योतिबा फूले से सवाल आया है, और आप चाहे नेशनल मूवमेंट की बात कीजिए, चाहे आप बात करें सोशल रिफॉर्मेशन की, सामाजिक सुधार आंदोलन के, सवाल वहां से ना बने ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपको मिले हैं आपके आखिरी 30 सेकंड, सवाल स्क्रीन के ऊपर है, जवाब देंगे। सुनिधि आई होप यू दोबारा से अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सुगंधा वर्मा जल्दबाजी ना करें, सवाल को पढ़े फिर जवाब दें। ज्योतिबा फूले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनकरेक्ट बताना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योतिबा फूले विच स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट। ठीक है संगीता, नीरज तिवारी हिस्टोग्राफी, नीरज कह रहे हैं बी होना चाहिए, नसरीन कह रही है बी, आशा कह रही है बी अगेन। ओके चलिए देख लेते हैं जवाब आपका, बी बिल्कुल सही जवाब है, और सबसे तेज जवाब दिया है यहाँ पर आशा ने, आशा बेल्डन। इसके अलावा आशा का, सुगंधा, नमिता, अभिजीत, संगीता एंड नसरीन और सुनिधि, इन सभी का परफॉर्मेंस और प्रेम का परफॉर्मेंस कल वाली क्लास में जो मेरी स्पेशल के ऊपर थी काफी अच्छी रही थी, एंड मैं चाहती हूँ कि आप क्लास ज्वाइन करें और इनके परफॉर्मेंस को देखें कि कैसे ये लोग जवाब दे पाते हैं। ठीक है, चलिए आराधना कुमारी भी कल हमारे साथ ही, आराधना 7 का सी कह रही है, आराधना सी नहीं होगा, इट्स ए बी, वे महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के कट्टर समर्थक थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और हरिजन महात्मा गांधी की जो संस्था थी उसका क्या नाम था बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे। ओके नीरज ने बिल्कुल सही जवाब दिया, नीरज कह रहे हैं बी होना चाहिए, संगीता कह रही है बी होना चाहिए, आराधना सी नहीं बी होगा, और आशा ने बिल्कुल पहले जवाब दिया सबसे पहले, और नसरीन का जवाब बिल्कुल ठीक है, नीरज ने भी जवाब बिल्कुल सही दिया है। ये आप देख पा रहे होंगे 1890 में उनकी मृत्यु होती है, 1827 में वो पैदा होते 11 अप्रैल को, तो आप देख पाएंगे एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट है आपका पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, तो पीडीएफ निकाल कर इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आराधना बी होगा सी नहीं होगा, ये पूछा कि करेक्ट कौन सा नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ज्योतिबा फूले की संस्था का क्या नाम था, ज्योतिबा फूले की जो संस्था थी ऑर्गेनाइजेशन थी उसका क्या नाम था कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग मुझे अभी ना। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के ऊपर आपका रहेगा, देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर सवाल आपका, और पोल में दे रही हूँ आपको।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको कि इनकरेक्ट कौन सा नहीं है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। स्वदेशी मूवमेंट की बात हो रही है, आंदोलन की बात हो रही है, 1905 की बात हो रही है, ये ध्यान रखें, और फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही है, यानी बंगाल पार्टीशन के टाइम पे चीजों के लिए बात हो रही है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, गलत वाला कौन सा है, ये बताना है। नीरज, वेल डन, सत्यशोधक समाज था, गुड नीरज। नमिता, नमिता पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। हिंदी का वेटेज रखा है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की डिमांड होती है मैम हिंदी में समझ ज्यादा आता है, ठीक है, आने वाले कुछ सवाल जो है आप इंग्लिश में भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो टाइम इज अबाउट टू ओवर, सही जवाब देख लेते हैं आपका क्या है, तो सी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, आराधना ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं, इनकरेक्ट पूछा गया था आपसे, बसेत, और यहाँ पे जवाब रहेगा, ओके, सवाल ठीक से पढ़ें एक बार, ये कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है, इज इट क्लियर एवरीवन, या डी और सी में अभी भी डाउट है आप लोगों को। सुनिधि कह रही है डी, नीरज कह रहे हैं डी होना चाहिए, और नसरीन क्या कह रही हैं, हाँ नहीं ही बोला है, ये ध्यान रखना है, कथन सही नहीं है, मैंने बोला तो इनकरेक्ट बताना है आपको कौन सा है, ठीक है। नमिता कह रही है सी होना चाहिए, शशि कह रहे हैं 8 का बी होना चाहिए, सैयद हैदर राजा ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है शशि, ध्यान रखें सबसे पहले जवाब दिया आराधना कुमारी ने, जो जवाब बिल्कुल सही है, आराधना वेल डन, और बसेत का जवाब बिल्कुल सही है, नमिता वेल डन, शशि वेल डन, 4 लोगों ने सिर्फ सही जवाब दिया है, और सबसे तेज जवाब रहा है आराधना कुमारी का, आराधना वेल डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के ऊपर है आपका, ये बंगाल पार्टीशन का मैप आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, और जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट डाला उसको आप रीड कर सकते हैं। एमर्जेंस क्या था इस पाकिस्तान का, फ्यूचर बांग्लादेश कैसा है, इंडियन स्टेट ऑफ बांग्ला वेस्ट बांग्लादेश कैसा है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से भी देख पा रहे होंगे, और जो लास्ट हमारा 1905 वाला था बंगाल, ये भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आप लोग, ठीक है। अभिजीत दास कह रहे हैं सी, अभिजीत ठीक है आपका, वेल डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रहे सवाल का, नहीं बोला गया स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करें आप लोग। सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के ऊपर है, 2020 के ऊपर सवाल बन चुका है, 2019 में सवाल आ चुका है, 2017 में सवाल आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ नीरज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैंने सवाल में नहीं पूछा था आपसे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के ऊपर रहेगा, सवाल पढ़ेंगे और उसके बाद जवाब देंगे आप लोग। ओके, वायसराय को सही क्रोनोलॉजी में फिट करना है, रीडिंग इरविन और विलिंगडन है और लिथगो, ठीक है, ये बताना है आपको। तो सुगंधा वर्मा कह रही है 9 का ए होना चाहिए, नसरीन कह रहे हैं ए होना चाहिए, अभिजीत ए, नीरज कह रहे हैं 1 2 3 4, ओके वेल डन, और बसेत कह रहे हैं ए सबका जवाब है, गोविंद सोनी कह रहे हैं बी होना चाहिए, ओके, सुप्रिया कह रही है 1 होना चाहिए, ठीक है, एंड टाइम इज ओवर नाउ, आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसी रीडिंग्स में चीजें आगे बढ़े, रीडिंग है, इरविन है, विलिंगडन है, देन लिथिंगो है, 4 ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर रहेंगे, और आपके कंफर्ट जोन के लिए मैंने यहाँ पे जो वॉयस राय है सबके सब भारत वाले, खास करके 1917 से लेके 1947 तक के जितने भी लोग हैं वॉयस राय जो आए हैं उनके लिए मेंशन किया हुआ है, तो उसको आप देख पाएंगे। सेपरेटली मैं नहीं बता सकती थी कि कौन कौन से आएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट रहेगा जो अभी आपको नजर आएंगे, ठीक है, ये लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड रीडिंग की बात हो रही है, कब कौन आया और किसके बीच में क्या क्या समझौते हुए, कौन था, जब क्या क्या वहां पे इन चीजें समझ में आती हैं, सबका जवाब बिल्कुल सही है, और उसके बाद फिर से आराधना ने बहुत तेजी से जवाब दिया है, नसरीन ने दूसरे नंबर पर और शशि ने तीसरे नंबर पर, शशि वेल डन, गोविंद सोनी बी नहीं ए होगा, और सुप्रिया ने सबसे आखिर में जवाब दिया है एक, तो बिल्कुल सही है, आराधना वेल डन, आराधना का जवाब बिल्कुल सही है, उसके बाद दिया नसरीन देन शशि ने, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे ये विलिंगडन का है,
देन लील नितगो का है, जो 1936 से 1943 में रहे, अकाल आयोग के टाइम पे भी रहे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। पॉवर ब्लॉक का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन इनके बीच में आया था, ये चीजें यहाँ पे हुई थी। और वावेल से सवाल बन चुका है 2020 में आपके एनटी के पेपर में, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन के ऊपर है आपका, ये आप देख पा रहे होंगे। शशि बहुत जरूरी भी है आपका, वायसराय से सवाल बनते हैं, और क्योंकि सवाल बड़े फैक्चुअल होते हैं इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि बस उन्हीं के बारे में बताया जैसे सवाल आते हैं। सारे वायसराय को पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, और उनको नहीं पढ़ना है जो जहाँ से एनटी सवाल बनाता नहीं है, ठीक है। पर अच्छी बात है शशि, आपने सारे पढ़े हैं, तो इट्स मैटर ऑफ अप्रिसिएशन ऑल्सो। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया था, एक सवाल तो यहीं से क्लियर हो गया आपका। लंदन में गए थे दादा भाई नौरोजी, ईस्ट एसोसिएशन का आयोजन हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वे ब्रिटिश जनता के विचारों को प्रभावित करना चाहते थे। अब बताना है दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, ए सही है या फिर बी सही है या दोनों सही हैं। 10 का बी कह रहे हैं, और आपके 5 सेकंड स्क्रीन के ऊपर है सवाल, आप देखेंगे। सोनू रजा कह रहे हैं यहाँ पे ए होना चाहिए, शशि कह रहे हैं 10 का बी होना चाहिए। ओके, आशा ने सबसे तेज जवाब दिया है, जो कह रही है कि 10 का बी होना चाहिए। निखत कह रही है ए होना चाहिए, देख लेते हैं। व्हाट अबाउट सी एवरीवन, ए सही है किंतु आर गलत है। यस, आराधना कुमारी कह रही है 10 का सी होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी जो थे, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन तो किया था, पर उनका काम उनको प्रभावित करना नहीं था। अगर उनका काम जनता को, ब्रिटिश जनता को प्रभावित करना होता, तो क्या वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते? और प्रभावित किस सेंस में कर रहे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिवली नेगेटिवली। इज इट ओके एवरीवन, 10 का सी है यहाँ पे, ए सही है पर आर गलत है। सुगंधा वर्मा कह रहे सी सही है, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़ें, हम करते क्या है असर्च रीजन वाले सवालों में, हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम लोग फोकस किसके ऊपर करते हैं कि ए जो है कॉमन है तो सही होगा ही होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं कि ए सही ही सही होगा आपका, ठीक है। नमिता सी रहेगा यहाँ पे, आराधना ने सिर्फ सही जवाब दिया, आराधना वेल्डन। सुगंधा वर्मा ने बाद में कहा कि सी सही होना चाहिए, ध्यान रहे। तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी की किताब का क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। सी विल बी द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी की किताब का क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। चलिए ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन के ऊपर रहेगा आपका, देख पा रहे होंगे, और पोल में दे रही फैक्ट के ऊपर सवाल है, फैक्ट को पढ़ें और जवाब दें। नील दर्पण विच गेन्ड ग्रेट फेम फॉर विविडली पोर्ट्रेइंग द ऑपरेशन बाय इंडिगो प्लांटर्स इज रिटन बाय, नील दर्पण किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताना है आपको। नील दर्पण जिसके जिसमें ये बताया गया है कि जो नील उत्पादन करते थे उन सभी किसानों को दबाया गया, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। माइकल द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, दीन बंधु मित्र द्वारा, या प्रेमनेन्द्र मित्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन के ऊपर है आपका, जो लोग सवाल का जवाब दे रहे हैं वेल डन। आशा कह रही है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल होना चाहिए, वेल डन। जी अभिजीत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नाउ क्वेश्चन नंबर, सुप्रिया सुप्रिया आपने सवाल नंबर 11 का जवाब दिया अभी अभी। ठीक है शशि, वेल डन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल होगा इंडिया का। नसरीन कह रहे हैं 11 का सी होना चाहिए, दीन बंधु मित्रा, ठीक है। ये का सवाल काफी बार पूछा भी जा चुका है हमारा, है ना, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, इसको आप पढ़ लेंगे एक बार कि कहाँ से क्या क्या आता है आपका। फिर सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला आप छोड़ सकते हैं, ये मैंने आपके जनरल इंफॉर्मेशन दी ताकि आपको पता हो उसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आराधना कह रही है बी, तो सबसे तेज जवाब मेरे पास किसका आया, मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। सुप्रिया ने अगर यहाँ पे 11 का सी दिया है तो बिल्कुल तेज जवाब आया, देन यहाँ पे राबी गोरैया है, देन आशा, वेल डन।
थ्री ऑफ यू। ठीक है जी, सैयद साइमा शौकत कह रही है बी होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है साइमा, सी बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। ये दादा भाई नौरोजी की किताब है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पे सुप्रिया ने सबसे तेज जवाब दिया था, सुप्रिया बेल्डा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दिया था सुप्रिया ने। सवाल नंबर 12 स्क्रीन के ऊपर है आपका, पोल में दे रही हूँ ताकि जवाब दें आप। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916। ये तो काफी इजी है, मुझे लगता है कि आप सबको इसका जवाब पता होना चाहिए। आशा कह रही है 12 का बी होना चाहिए। ओके, अंबिका चरण मजूमदार, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट या मोहम्मद अली जिन्ना। आईएनसी की बात हो रही है, 1916 की बात हो रही है, सेशन में प्रेसिडेंट कौन था ये बताना है आपको। ठीक है, प्रेसिडेंट बताना, लखनऊ सेशन में कौन था। बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, विच इज अंबिका चरण मजूमदार, इट इज राइट आंसर। एंड एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आप देख पाएंगे अपने स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे तेज जवाब दिया है क्वेश्चन नंबर 12 का आशा ने, आशा बेल्डान। नसरीन वेरी गुड, अभिजीत कह रहे हैं बी, एंड मिस्टर गोरैया कह रहे हैं बी होना चाहिए, सुगंधा वर्मा कह रही है बी, सोनू बी होगा, सी नहीं होगा, ध्यान रखें। नमिता बी, निखत नास कह रही है बी, पारव निकू कह रहे हैं बी होना चाहिए, आरशी बी, शशि कुमार बी, शशि कह रहे हैं 12 का बी, एंड सुप्रिया गिन कह रहे हैं बी। तो आपको ध्यान रखना, आशा ने बिल्कुल तेज जवाब दिया है, आशा बेल्डान, और सबसे आखिर में जवाब आया सुप्रिया का। ठीक है, सबसे तेज जवाब दिया है आशा ने, देन उसके बाद यहाँ पे जवाब आया है नसरीन का, और उसके बाद अभिजीत का। थ्री ऑफ यू बेल्डान। इन लोगों का परफॉर्मेंस, सभी लोगों का परफॉर्मेंस स्पेशल क्लास में भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है, और कोशिश की जाती है कि आप डे टू डे इम्प्रूव करें खुद को। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्टिविस्ट थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर वॉज फेमसली नॉन एज लोकहितवादी। 3 बार सवाल बन चुका है, सवाल नंबर 13 स्क्रीन के ऊपर आपका रहेगा, आपको देखना है। हाँ ठीक है शशि, जो आपका लाहौर वाला सेशन हुआ था उसमें इन तीनों ने वापस से मीटिंग्स की थी और यूनिफाइड हुए थे वापस से। आशा कह रही है, आशा का सबसे चौथा सवाल है जो सबसे तेज जवाब दिया इन्होंने, कह रही है 13 का सी होना चाहिए, मिस्टर गोरैया कह रहे हैं सी होना चाहिए, एंड उसके बाद सुगंधा वर्मा कह रहे हैं 13 का सी होना चाहिए, और नसरीन कह रहे हैं 13 का सी होना चाहिए। तो काफी इजी भी है आपके लिए सवाल, उसको आप देख पाएंगे, देख लीजिए आप। ये है आपका गोपाल हरि देशमुख जो थे, ये आपका सही जवाब होगा, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म एंड सामाजिक सुधार के बारे में, और एक विचारधारक के रूप में जाने जाते हैं लोक हितवादी के नाम से, यानी लोगों का हित करने वाले व्यक्ति। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। 18 फरवरी 1823 को पैदा होते हैं, और 9 अक्टूबर 1892 को इनकी मृत्यु होती है, और ओरिजिनल नाम था इनका, सरनेम था सिद्धाय, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ वतन राइट ऑफ टैक्स कलेक्शन के बारे में बात की थी इन्होंने, एंड देशमुख इज रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, और ध्यान रहे इनको भी जाना जाता है पश्चिम के पिता के रूप में जाना जाता है, विच इज जैसे हम पूरे भारत को जानते हैं कि रेनेसा पीरियड के जो पिता हैं कौन है, राजा राम मोहन रॉय, बिल्कुल वैसे ही पश्चिम के जो रिफॉर्मेशन के पिता के रूप में जाना जाता है लोकहितवादी का, यानी कि गोपाल हरि देशमुख को। तो ध्यान में रखे, सवाल यहाँ से बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन के ऊपर है आपका, मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। भगत सिंह एंड बी के दत्त से सवाल पूछा गया है आपका, सवाल नंबर 14 स्क्रीन के ऊपर है। कह रहे हैं कि थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929 एज अ प्रोटेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल एक्ट, यानी भगत सिंह और बी के दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बॉम्ब फेंका था 8 अप्रैल 1929 को, उस बिल को पास करवाने के लिए, जिस बिल के लिए बॉम्ब फेंका गया था उस बिल का क्या नाम था। ये तो हम सबको पता है कि इन लोगों ने बॉम्ब फेंका था, लेकिन किस बिल को पास कराने के लिए बॉम्ब फेंका गया था ये आपको बताना है। रॉलेट एक्ट, पब्लिक सेफ्टी बिल, वुड्स बिल, या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन के ऊपर रहेगा, काफी अच्छा सवाल है, और यहाँ पे बी को मैक्सिमम वोटिंग मिली है, और मुझे लगा था कि काफी मुश्किल सवाल है और मैक्सिमम बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, पर फिर भी अच्छी कोशिश है। सवाल नंबर 14 स्क्रीन के ऊपर आपका रहेगा, नसरीन ने सबसे तेज जवाब दिया, नसरीन वेल्डन।
और सोनू इसका आंसर होगा बी नॉट ए। शशि वेल डन, बी कह रहे हैं। सुगंधा वर्मा का बिल्कुल बी जवाब सही है। ठीक है जी। और आपका पारव कह रहे हैं, परव कह रहे हैं बी होना चाहिए। नमिता बी, अभिजीत दास बी, राबी गोरैया कह रहे हैं ए होना चाहिए। विजय विकी सी नहीं है, बी होगा। वुड बिल कोई बिल था ही नहीं, वो डिस्पैच की बात हो रही है तो ये तो बहुत बाद में आया है। ठीक है। और विजय विक्की कह रहे हैं सी, और सुप्रिया ने फिर से जवाब दिया आखिर में, पर जवाब बिल्कुल सही है, विच इज पब्लिक सेफ्टी बिल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। चलिए, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है आपका, पब्लिक सेफ्टी बिल था क्या ये बताना है यहाँ पे, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, सवाल यहाँ से बन सकता है। सैयद सामा शौकत कह रही है ए होना चाहिए। साइमा ए नहीं है, बी होगा इसका जवाब। ठीक है साइमा, पब्लिक सेफ्टी बिल। सवाल नंबर 15 स्क्रीन के ऊपर है आपका, आई होप कि विजिबल रहेगा आपके लिए, और मैं आपको 40 सेकंड का टाइम देती हूँ। सवाल बड़ा है तो हो सकता है कि आप लोग पढ़ने में थोड़ा लैग कर पाए। ओके। मैनी लोकल स्ट्रगल अमर्स्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन के समय बहुत सारे आम जो स्ट्रगल्स थे वो पैदा होते हैं, ये बता रहे हैं आपको। और विच गिव डेफिनेशन टू स्पिरिट ऑफ डिफेंस एट द रीजनल लेवल टू द नेशनल स्ट्रगल, जिन्होंने एक तरह से सहयोग दिया किसको, राष्ट्रीय आंदोलन को। विच ऑफ द बिलो मूवमेंट, इसमें से ऐसा कौन सा मूवमेंट नहीं है करेक्ट जो मैच करता है गिवन लोकल कॉजेस को। सिख एजिटेशंस की बात हो रही है, फॉर द रिमूवल ऑफ महंता सिंह पंजाब, ये बताना है आपको। निखत, सवाल स्क्रीन के ऊपर है, सबको सवाल नजर आ रहा है। सवाल नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं, स्क्रीन पे सवाल सबको दिखाई दे रहा है। अगर निखत आपको सवाल नहीं दिख रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लें, दोबारा से वीडियो को एग्जिट करके दोबारा से आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं निखत। ठीक है। एंड टाइम इज अबाउट टू ओवर नाउ, देख लेते हैं जवाब आपका। डी जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, और यहाँ पे डी को दिया है वोट 15 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले सोनू रजा ने। सोनू वेल डन, डी कह रहे हैं। शशि ने सी को दिया है। शशि सी क्यों होगा, देर इज एनी रीजन बिहाइंड इट। अवध किसान मूवमेंट की अगर बात हो रही है तो कह रहे हैं कि ड्यू टू एक्सोर्बिटेंट रेंट्स, इलीगल लेविस एंड रिन्यूअल फीस दैट हैड मेड लाइफ टफ फॉर पीजेंट्स। अवध किसान मूवमेंट कौन सा था शशि? आरशी कह रही है डी होना चाहिए, पारव कह रहे हैं डी होना चाहिए, ठीक है सुगंधा दिख रहा है, तो नमिता कह रही है डी होना चाहिए। सोनू का जवाब बिल्कुल सही है, सबसे पहले जवाब दिया सोनू ने, सोनू वर्णा। और उसके बाद यहाँ पे जवाब आया है मेरे पास 15 का डी, राबी गोरैया ने जवाब दिया है, और उसके बाद जवाब आया है सुप्रिया का, सुप्रिया बेल्डन। एंड आरशी का जवाब बिल्कुल सही है, नमिता एंड विजय विक्की बेल्डन। ओके आरशी, चलिए ठीक है। अभी जो मैं टाइम दूंगी आपको उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करके दूंगी ताकि आप उसका जवाब थोड़ा सा आराम से दे पाए। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है। ठीक है शशि, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लें एक बार, अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो थोड़ा जस्टिफाइड कर पाएंगे आप। ठीक है, आराम से। चलिए, सवाल नंबर 16 स्क्रीन के ऊपर रहेगा, और आपके टाइम का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि स्क्रीन के ऊपर जवाब पहले ना आए। दरअसल मेरा स्क्रीन और आपके स्क्रीन में 10 सेकेंड का फासला है, तो मैं जब यहाँ पे आंसर आपको शो करती हूँ तो वहां पे 10 सेकेंड पहले जवाब चला जाता है। ठीक है, सवाल है आपको, क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल है आपका 16वां, क्वेश्चन नंबर 16। द अडॉप्शन बाय द कांग्रेस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनिशिएटेड अर्लियर बाय द खिलाफत कमेटी गेव इट अ न्यू एनर्जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट शो द इंटेंसिटी ऑफ अपसर्ज। ठीक है, ये आपको बताना है। कह रहे हैं कि कांग्रेस के को अडॉप्ट करने के बाद जब नॉन कॉपरेशन स्टार्ट होता है फाइनली, तो क्या खिलाफत मूवमेंट ने पूरी तरह से एक नया प्राइजिंग दिया नेशनल मूवमेंट को, तो क्या क्या उसके कारण और कॉजेस थे, ये बताना है। पहला है फॉरेन प्रोडक्ट्स फॉर बाइकॉटेड एंड द ब्रिटिश इम्पोर्ट्स फेल बाय हाफ द इनिशिएटेड अमाउंट। तिलक स्वराज फंड वाज ओवर सब्सक्राइब्ड एंड 100 करोड़ रुपी वाज कलेक्टेड टू सपोर्ट नॉन कॉपरेशन।
तीसरा है कांग्रेस जो वॉलेंटियर थे कॉप्स अमर्स्ड एज द पैरेलल पॉलिसीज, एंड करना है कि आपको चारों हैं, तीनों हैं, एक है, दो है, सबके सब हैं। ठीक है शशि, कोई बात नहीं, एक आधा सवाल गलत हो जाए तो उसके लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आप बाकी का सवाल सही दे रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। आशा ने 16 का बी बताया है, कह रहे हैं कि ओनली 3 होना चाहिए, कि कांग्रेस के जो वॉलेंटियर थे कॉप्स कर रहे थे, अमर्ज कर रहे थे पैरेलल पॉलिसीज के साथ, कि जो जो पॉलिसीज बार बार इंप्लीमेंट हो रही थी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। आरशी कह रही है डी होना चाहिए, अभिजीत दास कह रहे हैं सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका सवाल का जवाब। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विच इज 1 एंड 3, फॉरेन पॉलिसीज और आपका कांग्रेस का वॉलेंटियर जो था ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है आरशी, इज इट ओके नाउ? अब आपका जवाब देने में और सवाल में डिफरेंस नजर आ रहा था, एक बार बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 16 जो जो है आपका सी जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। सुगंधा वर्मा ने सबसे पहले जवाब दिया सी, अभिजीत दास का जवाब बिल्कुल सही है और नमिता का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो सुगंधा ने बहुत देरी के बाद सबसे पहले जवाब दिया है सुगंधा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपका पहला और जो तीसरा वो सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका गलत रहेगा, बाकी दोनों सही है। चलिए 16 ये आप देख पा रहे होंगे, फॉर्मेशन ऑफ INC के बारे में और जो यहाँ पे डिटेल्स हैं सवाल से जुड़ी हुई, ये आपको एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से पढ़ पाएंगे आप। टेलीग्राम से मिलेगा इसका PDF। टेलीग्राम चैनल क्या है मेरा, सोनिया सिंह UGC NET_Unacademy। ठीक है, सवाल नंबर 17 स्क्रीन के ऊपर है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 इज इन स्क्रीन फाइनली, एंड योर टाइम जो है आपका 40 सेकेंड का स्टार्ट हो चुका है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। सवाल है द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी फॉर्मेशन एज द आफ्टर मैथ रिएक्शन ऑफ विड्रॉवल ऑफ नॉन कॉपरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, ये पूछ रहे हैं आपसे, जो स्वराज पार्टी फॉर्मेशन थी वो किसने बनाई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे सीधा सीधा सवाल में। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, चितरंजन दास, नरसिम्हा चिंतमन, केलकर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या दास और नरसिम्हा और मोतीलाल नेहरू ने, या किसी ने नहीं बनाई थी। और आपका आखिरी 20 सेकेंड स्क्रीन के ऊपर रहेगा, सवाल का जवाब आप देंगे ध्यान से सवाल को पढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन के ऊपर है आपका, आशा ने जवाब दिया है अब तक, कह रहे हैं कि 17 का डी होना चाहिए, सॉरी बी होना चाहिए, अभिजीत कह रहे हैं सी होना चाहिए, दास, नरसिम्हा और सॉरी मिस्टर केलकर और नेहरू, मोतीलाल नेहरू। चलिए टाइम इज ओवर ना, काफी कम बच्चों ने जवाब दिया है इसका, जबकि काफी कॉमन क्वेश्चन है ये और बहुत बार पूछा जा चुका है। और कमेंट में आप लोग मुझे बताइए कि स्वराज पार्टी कब बनी थी, कब फॉर्म्ड हुई थी। ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा, चित्तरंजन दास, नरसिम्हा चिंतमन केलकर और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी मिलकर, कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी, आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में, 2018 में और 2020 में सवाल बन चुका है इसके ऊपर, प्रीवियस ईयर पेपर का, काफी जरूरी है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि PYQs को बार बार अटेम्प्ट कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आशा ने जवाब गलत दिया है, आशा सुभाष चंद्र बोस का कुछ लेना देना नहीं स्वराज पार्टी से। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए थे ना, कि स्वराज पार्टी से, जो INA वाला था उनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आपका सी होगा, एक बार सवाल देख लेते हैं उसके बाद जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 अभिजीत ने सबसे पहले जवाब दिया है, जो है आपका सी बिल्कुल सही होगा अभिजीत। मिस्टर गोरैया का जवाब बिल्कुल सही है सी, दीप कुमार दे कह रहे हैं सी बिल्कुल सही है जवाब आपका, सुप्रिया मुंडाल कह रही है सी बिल्कुल सही है, नसरीन का जवाब सही है, नमिता, देन शशि कुमार, आरशी और उसके बाद ये शशि, 1922 में बनी थी। ठीक है, इट्स 1923 और 1922। आराधना कुमारी कह रही है सी होना चाहिए, आशा कह रही है 1923 में बनी थी, बिल्कुल सही है, सोनू राज का बिल्कुल जवाब सही है, और उसके बाद आपका, ठीक है जी, आरशी कह रही 1923 में बनी थी। ठीक है जी, और आपका सुभाष चंद्र बोस की जो फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी थी वो कब बनी थी ये बताना कमेंट बॉक्स में आपको मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग मुझे।
वेल डन, अभिजीत ने सबसे पहले जवाब दिया और सबसे देरी से जवाब आया है सोनू राज का, ठीक है, चलिए ध्यान रखें, अभिजीत वेल डन। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आप पढ़ पाएंगे, जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि सवाल का जवाब सही गलत है तो यहाँ से आप पढ़ पाएंगे, काफी खास क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, कोशिश करें ये सवाल स्किप ना हो आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन के ऊपर है आपका, सवाल का जवाब आप देंगे और मैं दे रही हूँ आपको 30 सेकंड, फैक्ट के ऊपर सवाल है एक लाइन का, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, और एग्जाम में भी कोशिश करें आप लोग कि जो सवाल स्क्रीन के ऊपर आए आपका, अगर आप सवाल का जवाब दे पा रहे हैं तो बिल्कुल दें, नहीं दे पा रहे हैं तो अगला सवाल का जवाब देने की कोशिश करें, टाइम बर्बाद ना करें, बिकॉज आपको 150 सवालों को सॉल्व करना है 180 मिनट में, तो काफी मुश्किल आपके लिए हो सकता है, ठीक है। सवाल नंबर 18 स्क्रीन के ऊपर है आपका, कहने के विजय की योजनाएं तथा साम्राज्य विस्तार की नीति को त्यागने की घोषणा किसने की थी? ए रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ये आपका ए हो जाएगा, बी है पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, सी कह रहे हैं 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था वो वाला, या 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ये आपको बताना है, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर सवाल है, जवाब आप लोग देंगे। ओके वेल डन आरशी। फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनी थी सुभाष चंद्र बोस की बनी थी 1938 में, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। नसरीन वेल डन, 1938 है, ठीक है आरशी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। शशि कुमार ने बहुत तेजी से जवाब दिया, कह रहे हैं कि 18 का ए होना चाहिए। ओके 18 का कह रहे हैं ए होना चाहिए। निखत नास कह रहे हैं 18 का ए, अगेन ए आ रहा है आरशी का। अभिजीत दास 1858 एक्ट होगा मैम, ठीक है जी। ओके अभिजीत स्क्रीन के ऊपर तो कुछ 1850 जैसा कोई नजर नहीं आ रहा है, अगर आप पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर रहे हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट भारत में कब आया था? नमिता कह रही है ए, विक्की कह रहे हैं ए, सोनू कह रहे हैं 18 का बी, देख लेते जवाब आप। इट्स ए पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा आया था, विजय की घोषणा और साम्राज्य के विस्तार की बात की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि पिट्स इंडिया एक्ट भारत में कब आया था, ठीक है, और सबसे तेज जवाब यहाँ पे बी को मिला है। ओके मिस्टर सोनू का जवाब बिल्कुल सही है, सिर्फ उन्होंने ही सवाल का जवाब सही दिया, बाकी सबका जवाब गलत है। 1786 में आया था, ये आपको ध्यान में रखना है, पिट्स इंडिया एक्ट, और मिस्टर सोनू ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। कोई डाउट लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ पा रहे हैं, इफ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रेगुलेशन एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया, देन उसके बाद गवर्नमेंट एक्ट जो 1919 वाला आया था और 1935 वाला जो आया था, अगर तीनों ध्यान में है तो आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे कि विजय की योजना यानी कि कैसे हमें फ्रीडम को गेन करना है और कैसे हमें अपने साम्राज्य को, भारत को एक्सप्लोर करना है, एक्सपैंड करना है, उसके बारे में बात की जा रही थी, इन दोनों को छोड़ने की बातें थी, ये आपको ध्यान रहे, नॉट एक्सपेंशन तो था ही, बट कैसे उसको छोड़ना ये बताना था आपको, ठीक है जी। ओके आशी, हाँ सेवेंट रेगुलेटिंग एक्ट जवाब था, ये आपको ध्यान में रखना है, 1773 वाला। चलिए अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर आपका रहेगा, ये पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 वाला है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, 1784 में जो भारत में आया है, और क्या इसका पर्पस था, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं जो मिलेगा टेलीग्राम के चैनल से। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन के ऊपर है आपका, सवाल पढ़ेंगे और जवाब देंगे, ठीक है जी। चलिए दे रही हूँ आपको 40 सेकंड का समय, क्योंकि सवाल आपका काफी बड़ा है, सवाल पढ़ने में समय लग सकता है। भारत में अंग्रेजी की मुक्त व्यापार नीति का उद्देश्य क्या था, ये बताना है आपको। भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की स्थापना, भारतीय हस्तशिल्प यानी जो हमारा क्राफ्ट था, आर्ट एंड क्राफ्ट था उसको, और जो वहां पे कुटीर उद्योग की वस्तुओं के इंग्लैंड निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाना, सी कह रहा है, ये आपका ए हो जाएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस वन सी, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है, या फिर भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना, या भारतीय का जो कच्चे माल का व्यापार था, इंग्लैंड निर्यात करता था ब्रिटिश से तैयार वस्तुओं के भारत आयात पर लगे सभी प्रतिबंध को हटाना, ठीक है। और आपके आखिरी 5 सेकंड स्क्रीन के ऊपर रहेंगे, और आप लोग मुझे बताएंगे कि भारत में जो फ्री ट्रेड की पॉलिसी आई थी कब आई थी, पिछला सवाल जो आपको करवाया उससे जुड़ा हुआ है, अगर आप उसको देख पा रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे, भारत में फ्री ट्रेड की पॉलिसी कब आई थी, जो चार्टर एक्ट था कब आया था, ये बताना है आपको, ठीक है।
मैक्सिमम का जवाब आ चुका है, और ये रहा आपका जो डी होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा जो आपको बताना है। ठीक है, क्या सबकी स्क्रीन स्टक है क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर? साइमा कह रही है, या ये प्रॉब्लम सिर्फ साइमा के साथ है? साइमा बाकी लोग जवाब दे पा रहे हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन के ऊपर आपका रहेगा, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आप पढ़ सकते हैं। और सुगंधा, इसका जवाब ए नहीं होगा। ठीक है, जवाब निखत ने बिल्कुल तेजी से दिया है, निखत कह रही है डी होना चाहिए। निखत, वेल डन, निखत नाथ ने जवाब बिल्कुल पहले सबसे तेज दिया है। शशि कह रहे हैं ए होगा, शशि ए नहीं होगा, ध्यान से सवाल को पढ़ें, उद्देश्य पूछा गया है आपसे क्या था। आशी कह रहे हैं डी होना चाहिए, आशीष ठीक है। दीप कुमार कह रहे हैं डी, अभिजीत का ए है, अभिजीत ए नहीं होगा, डी होगा। बसेत कह रहे हैं डी, सुप्रिया कह रही हैं डी, और आरशी कह रही हैं डी, नमिता कह रही हैं डी, आराधना कुमारी का डी है, सोनू का है यहाँ पे डी, और पारव कह रहे हैं, यहाँ पे पारव कह रहे हैं क्लियर है, ठीक है, और सुगंधा वर्मा कह रही हैं ठीक है जी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। मिस्टर फिरदौस, आपकी डिमांड पे आगे सवाल आ रहे हैं, दोनों को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं, हिंदी वाला इंग्लिश वाला, तो ध्यान रख सकते हैं। फिर भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए इंग्लिश में तो आपको मिलेगी टेलीग्राम के चैनल से। ठीक है जी, तो डी आपका सही जवाब होगा, और निखत ने सबसे तेज जवाब दिया है। ठीक है शशि, जल्दबाजी ना करें आप लोग सवाल का जवाब देने में, आराम से जवाब दें, चाहे थोड़ा सा समय लग जाए पर सवाल का जवाब गलत ना करें। ठीक है, आपका 20वां सवाल स्क्रीन के ऊपर है, और साथ में अपने रैंक को भी चेक करें कि आपने जितने सवालों का जवाब दिया है उनका रैंक कितना इम्प्रूव हुआ है, या वही स्टक कर रहे जो पहले स्टक कर रहे थे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20वां स्क्रीन के ऊपर है, आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से। सवाल है कि कार्ल मार्क्स ने भारत में रेल लाइन की आधुनिक युग का अग्रदूत कहा है, या बी कहता है, ये तो आपका ए है, बी कह रहा है कि सूती वस्त्र यानी जो कॉटन कपड़े हैं हमारे, कि पहली मिल कावसी नानाबाई में 1853 में लगाई गई थी बंबई में, या सी कह रहा है कि भारत की पहली जूट पटसन मिल 1857 में तमिलनाडु में मद्रास में स्थापित की गई थी, या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग धंधों में तेजी से विकास हुआ था। डी ये आपका हो जाएगा। असत्य बताना है कौन सा सही है, टफ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पर कोशिश करें जवाब देने का। सिवाय यहाँ पे नसरीन के अलावा सबसे तेज जवाब दिया नसरीन ने। दीप कह रहे हैं ए होना चाहिए, पारव कह रहे हैं सी होना चाहिए, सुगंधा वर्मा कह रही है 20 का स होना चाहिए विच इज सी। ठीक है, निखत कह रही है सी, आशा कह रही है सी, देख लेते हैं आपका जवाब। यस, सी विल बी द राइट आंसर, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। असत्य बताना था आपको, इनकरेक्ट बताना था, जिन्होंने गलत जवाब दिया है एक बार देखेंगे, और बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया है। बसेत कह रहे हैं सी होना चाहिए, नसरीन वेल डन नसरीन, और परब का जवाब बिल्कुल सही है, निखत ने जवाब सही दिया, आशा का जवाब बिल्कुल सही, सुप्रिया, अभिजीत, विक्की, देन बसेत, और उसके बाद आरशी खान। ठीक है, वेल डन टू ऑल, और नसरीन ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। ठीक है नसरीन, वेल डन। आप पढ़ सकते हैं कि पहली जो जूट मिल की स्थापना थी 1855 में हुई थी, कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी, रिश्रा से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये क्या कह रहे हैं कि कहाँ पे गलत इसलिए क्योंकि 1857 में नहीं हुई थी, 1855 में हुई थी, तमिलनाडु में नहीं हुई थी, बंगाल में हुई थी, इसलिए गलत है आपका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन के ऊपर है आपका, काफी इजी है, इसका जवाब आप ऑलरेडी बता चुके हैं, समय ज्यादा नहीं दूंगी आपको, जवाब पढ़ेंगे देन उसके बाद आप उसका सवाल का जवाब देंगे। यस शशि, सही कह रहे हैं आप, सिरसा बंगाल। 20 सोनू कह रहे, 20 सी, सोनू सी होगा, ए नहीं होगा सोनू। ठीक है, धन के निकास का सिद्धांत सर्वप्रथम यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो प्रिंसिपल था सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में दिया था? ये तो हम सब जानते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की पॉलिसी दादा भाई नौरोजी ने दी थी। ठीक है, एसोसिएशन के बारे में सबको पता है, किताब के बारे में सबको पता है, पर आपसे ये पूछा गया है कि किस लेख में दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। सवाल 21 स्क्रीन के ऊपर है, आपके आखिरी 18 सेकंड स्क्रीन के ऊपर है, सवाल का जवाब दें।
कमेंट्स में देख पा रही हूँ, और यहाँ पे सबसे तेज जवाब दिया है 21 का, और आपका टाइम भी खत्म हो चुका है। एक बार देखते हैं, आपका जो स होगा यानी ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और आपका डी है, यानी जो आपका सी होगा बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। ठीक है, इंग्लैंड स्टेप टू इंडिया। यहाँ पे मैक्सिमम का जवाब है कि पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो इनकी किताब थी, आप ध्यान से, ये इनकी बुक थी, इट्स अ बुक। हम यहाँ पे लेख की बात कर रहे हैं, किताब की बात नहीं कर रहे हैं। नमिता का एक है, अभिजीत दास का एक है, शशि सबका जवाब एक है, ए है यहाँ पर। आपका इंग्लैंड स्टेप टू इंडिया 1867 में पब्लिश हुई थी, ये इसका ध्यान आपको रखना है। मैं तभी कह रही थी आपको कंफ्यूज मत होइए, इसमें लेख की बात की गई, किताब की बात नहीं की गई है। वेल डन टू ऑल, नमिता ने जवाब दिया सी, कह रही है। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। आप लोग लेख पूछा है, जो ऐसे है उसकी बात हो रही है। इंग्लैंड स्टेप टू इंडिया में सबसे पहले बात की गई, उसके बाद किताब लिखी थी उन्होंने, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह सेम है बट राइटिंग्स अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन के ऊपर आएगा, फिर से यहाँ पे दादा भाई नौरोजी से सवाल आ रहा है, और देखते हैं कि सवाल में जवाब किसका सही हो पाता है। बोल मैं दे रही हूँ, जवाब आप लोग देंगे। सवाल है, दादा भाई नौरोजी ने कुछ लेखों में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की है, इन लेखों में कौन सा एक शामिल नहीं है? अब देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। अगेन वेरी टफ क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड सवाल पूछा गया है, फैक्ट को भी कह सकते हैं, पर वही दे पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑलरेडी ज्यादा है। नमिता का जवाब बिल्कुल सही है नमिता, बट नमिता ने थोड़ा सा देरी से जवाब दिया था, पर मैं जवाब तब तक बता चुकी थी, अगर नहीं बताया था तो नमिता ने जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया। नमिता वेल डन। एंड योर लास्ट 8 सेकेंड्स आर लेफ्ट ओनली। सुगंधा कह रही है 22 का बी होना चाहिए, ठीक है। निखत कह रही है ए होना चाहिए, पॉवर्टी एंड इंग्लैंड वंस फॉर्मर्स ऑफ इंडिया। एंड अभिजीत कह रहे हैं ए होना चाहिए, टाइम इज ओवर नाउ, और देख लेते हैं आपका जवाब। आपका ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, ये आपका बी होगा, ये सी होगा, और ये डी होगा। ठीक है, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ड्रेनो वेल्थ की थ्योरी दी थी, लंदन में जाके दी थी, एसोसिएशंस बनाए थे, और वहां पे भारत की तारीफ की थी कि वहां पे जो इकोनॉमिक ड्रेन वेल्थ है काफी हद तक ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो आपका पॉवर्टी एंड इंग्लैंड जो है आपका वंस कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और अभिजीत ने सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है। सुगंधा बी नहीं होगा, ए होगा। निखत नास कह रही है ए होगा। निखत वेल डन, अभिजीत वेल डन, विकी आशा का जवाब बिल्कुल सही है, सुप्रिया ए होगा, डी नहीं होगा, शशि कह रहे हैं ए होना चाहिए, एंड नमिता कह रही है ए होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और सबसे पहले जवाब दिया है निखत ने, तो निखत बहुत अच्छा है आपका जो जवाब, और इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। निखत नाग ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। सबसे देरी से जवाब किसका आया है? सोनू का जवाब बिल्कुल देरी से आया है, और वो कह रहे हैं पर अब पूछ रहे कि लेख का मतलब क्या होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 23वां सवाल स्क्रीन के ऊपर रहेगा, सवाल काफी बड़ा है, ये आपका पूछा गया है भारतीय जो भूराज्य व्यवस्था थी उससे। चलिए, ब्रिटिश शासन में भू राजस्व व्यवस्था के बारे में निम्न में से कथन कौन सा सही नहीं है? लैंड सिस्टम से सवाल पूछा गया है, ये आपका ए है, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी, एंड दिस इज डी, ये रहे आपके फर्दर ऑप्शंस। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात हो रही है, 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन यानी डुअल डायरकी की जो बात थी हमारी, ठीक है, शासन व्यवस्था समाप्त किया, इजारेदारी प्रथा या खेत व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में ही भू राज्य व्यवस्था के वार्षिक बंदोबस्त के स्थान पर 5 वर्ष का बंदोबस्त जारी कर दिया था, या फिर बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार बाद में आया,
यही जारीदारी प्रथा के कारण किसानों के शोषण में बिल्कुल कमी महसूस की गई थी, ठीक है, ये बताना है। जिसको डी के बारे में पता है, दे कैन आंसर द क्वेश्चन। ओके, आपका जवाब देख लेते हैं। डी जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी आपका ए बी और सी और डी, ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, विक्की का डी आया है, निखत का डी आया है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ दो लोगों का जवाब बिल्कुल सही आया, निखत का और विक्की का, ठीक है। अभिजीत दास कह रहे हैं डी होना चाहिए। हम यहाँ पे भू राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश के जो कॉन्टेक्स्ट था उसके बारे में बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखते हुए। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट में ये पूछा गया है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ये जो लोग करेक्ट समझ के जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सवाल पढ़ा करें, ठीक है जी। अभिजीत दास, नमिता डी कह रही हैं, सुप्रिया कह रही हैं डी, हाँ बी वाले में 10 वर्ष होगा, 5 वर्ष नहीं होगा शशि। और यहाँ पे सबसे तेज जवाब मुझे दिया है 23 का, डी होना चाहिए। और सबसे तेज जवाब मेरे पास यहाँ पे, सुगंधा का जवाब गलत है, आशा थोड़ी सी तेजी कर दी है आपने जवाब देने में। सॉरी, नास का जवाब बिल्कुल सही है, निखत नास का। विक्की का जवाब बिल्कुल सही है, अभिजीत दास का जवाब बिल्कुल सही है। ओके, सुप्रिया कह रही है डी होना चाहिए, तो निखत जवाब बिल्कुल सही है, नास। योर क्वेश्चन आंसर इज राइट, ठीक है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर एवरीवन? एंड क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन के ऊपर आपका रहेगा, सवाल पढ़ेंगे और जवाब देंगे ध्यान से। मैं फिर से पूछ रही हूँ, यहाँ पे पूछा है सत्य कौन सा नहीं है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है और 1 मिनट का समय आपको दे रही हूँ, सवाल का जवाब आप लोग देंगे। परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है, स्थायी बंदोबस्त की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि स्थायी बंदोबस्त में से इसमें से सही कौन सा नहीं है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि स्थायी बंदोबस्त भारत में कब लागू हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट भारत में कब लागू हुआ था ये बताना है। इसमें जागीरदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, सत्य नहीं है ये पूछा गया है, इनकरेक्ट है, गलत वाला कौन सा है। इसके अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व वसूल कर 11वां हिस्सा दिया जाता था, निर्धारित तिथि तक भू राजस्व कंपनी के पास जमा करने पर सूर्यास्त कानून द्वारा जमींदारी जब्त कर नीलाम कर दी जाती थी, ये बताना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन के ऊपर है और आपके आखिरी 30 सेकंड स्क्रीन के ऊपर। सिर्फ 4 लोगों का जवाब अभी भी आया है, सोनू का जवाब है 23 का ए, इस 24 का मैं पूछ रही हूँ। निखत, आरशी, नसरीन, शशि, आशा। ओके, शशि कह रहे हैं ए होना चाहिए, सुगंधा कह रही है ए होना चाहिए। यस, परमानेंट सेटलमेंट भारत में 1793 में आया था, ठीक है। विक्की कह रहे हैं ए होना चाहिए, अभिजीत दास ए, पारव कह रहे हैं ए। आपके आखिरी 4 सेकंड स्क्रीन के ऊपर है, जवाब आपको देना है। नमिता कह रही है ए, वेल डन। एंड सुप्रिया ने सबसे आखिरी में जवाब दिया, कह रहे हैं 24 का ए होना चाहिए, यानी जिसमें जागीरदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, ये आपका जवाब मैक्सिमम लोग बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि केवल अ जो होगा, ये वाला ए जो होगा आपका सही है, बाकी सब के सब गलत है, असत्य की बात की गई है। तो सवाल का जवाब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सवाल का जवाब है इनमें से कोई नहीं, जिन्होंने जवाब दिया क्या स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि इसमें से कोई सा भी नहीं है। स्थायी बंदोबस्त में क्या ऐसा था कि जो जागीरदार थे उनको मीडिएटर बना दिया गया था, उनकी जमीनों पे किसान काम किया करते थे, और वो किसान जागीरदारों और जमींदारों को टैक्स पे किया करते थे, और उसी टैक्स को कौन पे करता था जाकर, ब्रिटिशर्स को। यानी जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन थी उसमें परमानेंट सेटलमेंट में जागीरदारों की, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स की थी, ना कि किसानों की। एनी कंफ्यूजन इन द क्वेश्चन, कुछ लग रहा है तो डिस्कस कर लेते हैं। सवाल को फिर से पढ़ेंगे आप लोग, मैं पोल दोबारा दे रही हूँ आपको, पोल से क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या माइंडसेट है, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। अगर जवाब आपका डी रहता है तो सवाल को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, 30 सेकंड आपको फिर से दिए हैं, सवाल को पढ़िए और जवाब दीजिए। परव पूछ रही है, जागीरदारी और जमींदारी एक ही है क्या?
पर जागीर आपकी जमीन है और जमींदार उस जागीर को जमीन के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बोले तो एक ही बात होती है। चलिए कोई बात नहीं, आपको सवाल समझ में आ रहा है। परमानेंट सेटलमेंट की विशेषता क्या थी ये पता है आप लोगों को? परमानेंट सेटलमेंट था क्या? तीन लोग थे उसमें, ब्रिटिशर सबसे ऊपर थे, उसके बाद आपका जमींदार वर्ग था और उसके बाद आपका पीजेंट था। ठीक है, तो ये जो खेत है आपका, इसके ऊपर किसान काम करता है, किसान टैक्सेशन देगा जमींदार को, जमींदार पे किसको करेगा? ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ पे मीडिएटर कौन होगा? जमींदार होगा। ब्रिटिशर्स का कुछ लेना देना नहीं है किसानों के साथ। इसीलिए बाद में जब ये बंदोबस्त फेल हो गया तो हमने रैतवाड़ी और महलवाड़ी को भी लागू किया बाद में, और उन दोनों में आप देखेंगे कि जमींदारों की जो पोजीशन है वो वीक होती नजर आती है दोनों में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा कि जब हमें डायरेक्ट टैक्स लेना ही है तो हम जमींदारों को पैसा क्यों देंगे। मान लेते हैं कि इस खेत से आपको 500 रुपये का मुनाफा हो रहा है, ठीक है, किसान को, मैं किसान हूं और मुझे जमीन से 500 रुपये का मुनाफा हो रहा है, मैं कोई कॉमर्स ले रही हूँ अभी, मान लेते, पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। फिर भी अगर क्वेश्चन में कुछ कमी रहेगी तो फिर डिस्कस कर लेंगे। मान लेती हूँ कि मैं किसान हूँ और इस खेत पर मैं काम कर रही हूँ। इस खेत से मैंने काम करके 500 रुपये महीने का जो अपना मार्जिन था वो निकाला, तो जमींदार मेरे पास आएगा और टैक्स लेने के लिए यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, तो 500 में से जमींदार लेके जाएगा 400 रुपये। ठीक है, किसान के पास कितना बचता है? 100 रुपये, और इस 400 में से 200 रुपये किसान जमींदार रखता है, और 200 रुपये का जो रेवेन्यू आता है वो ब्रिटिशर्स के पास आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा वीक पोजिशन किसकी है? किसानों की है। 100 रुपये में मान लेते हैं कि मैंने पूरा 6 महीने बहुत अच्छे से खेती की, 100 रुपये का मार्जिन मेरे पास आया, पर अल्टीमेटली सूखा पड़ जाता है या पानी की कमी की वजह से फसल की बर्बादी हो जाती है, तो अब क्या होगा? अल्टीमेटली जमींदार की जवाबदेही बन जाएगी ब्रिटिशर्स को और किसानों की बन जाएगी जमींदारों को। फाइन, देन अल्टीमेटली क्या होगा कि किसानों की पोजीशन डे टू डे वीक होती चली जाएगी और जो डेप्ट होगा, कर्जा होगा, वो डे टू डे बढ़ता चला जाएगा। फाइन, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया जब इनको नुकसान होना शुरू हुआ यहाँ पर, क्योंकि जब मैं खेत में कुछ पैदा ही नहीं करूंगी तो मैं रेवेन्यू कहाँ से दूंगी आपको? 500 रुपये तो मैं तब दे पा रही हूँ ना अगर मेरे पास सूखा नहीं पड़ा है, महामारी नहीं फैली है, पर अगर सूखा पड़ जाता है, महामारी फैल जाती है, तो 500 रुपये आप कैसे वसूलेंगे जमींदार मुझसे? तो उसमें लॉस किसको जा रहा था सबसे ज्यादा? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, इसीलिए महलवाड़ी और बाद में रैतवाड़ी का कॉन्सेप्ट भी लाया गया था, जिसमें कि जमींदारों की पोजीशन वीक हुई और डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में आ गया था? ब्रिटिशर्स के बीच में और किसानों के बीच में, कि किसान सूर्य से पहले आए और जो भी उनको खर्चा निकलता है उसको वो पैसा देकर जाए, नहीं तो उससे पहले क्या होगा, वो जमीन और जो उनकी खेत होगी उनके नाम कर दी जाएगी। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शंस के साथ। क्लियर एवरीवन? तो ये हायरार्की में समझना है आपको, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा बताए, मैं दोबारा बता देती हूँ। जो आपकी स्थाई परमानेंट सेटलमेंट था आपका, इसको कहानी की तरह समझे, कुछ ट्रिक्स नहीं है इसमें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये आपका खेत है, ठीक है, इस खेत के ऊपर तीन लोग काम कर रहे हैं मुनाफा कमाने के लिए। सबसे ऊपर कौन है? ब्रिटिशर्स। उसके नीचे कौन है? जमींदार, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे कौन है? किसान है। किसान किसके ऊपर काम कर रहा है? खेत के ऊपर। और किसानों से टैक्स कौन वसूल रहा है? जमींदार। और किसानों से टैक्स वसूल कर पैसा किसको दे रहा है? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 500 रुपये का मुनाफा अगर किसान कमा रहा है तो उसमें से 300 का मुनाफा कौन रख रहा है अपने पास? जमींदार। और 200 किसके पास जा रहे हैं यहाँ पर? ब्रिटिशर्स के पास। पर ये तब जा रहे हैं जब मेरी सिचुएशन नॉर्मल है, किसान की सिचुएशन नॉर्मल है, जब कोई सूखा नहीं पड़ रहा है, कोई खेती में कमी नहीं आ रही है, बारिश अच्छी हो रही है। पर जैसे ही यहाँ पे सिचुएशन उल्टा होती है, यानी कि खेती खेती में कमी हो जाती है, बीज अच्छे नहीं मिलते हैं या सिंचाई नहीं हो पाती है, पानी नहीं मिल पाता है, बारिश नहीं हो पा रही है, तो ये 500 रुपये का मार्जिन जीरो हो जाएगा। ठीक है, यही कारण रहा कि हम बार बार कहते हैं कि जितने भी सेटलमेंट्स लागू हुए इकोनॉमी के टाइम पे, सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ी? लघु उद्योगों के ऊपर और किसानों के ऊपर। और सबसे ज्यादा मुनाफा किसको हुआ? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, एक्सप्लोटेशन किसका हुआ? किसानों का। और फायदे में कौन रहे? ब्रिटिशर्स। इसमें जमींदारों को भी फायदा था, पर बाद में जमींदारों को तब समझ में आया जब यहाँ पे रेवेन्यू जीरो हो गई, क्योंकि ना खेती हो रही थी ना बरसात हो रही थी, तो अल्टीमेटली ऐसा तो है नहीं ना कि किसान अब कहीं से उसको लेकर देगा चीजें, क्योंकि रहना तो उसको अल्टीमेटली उसी गांव में है। क्लियर एवरीवन?
तो ये आपका परमानेंट सेटलमेंट था, और यही कारण रहा कि जैसे ही बंदोबस्त फेल होता है, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी दोनों को लागू किया जाता है। और आप दोनों में देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगी आपको अगले वाले सेशन में, कि जो पोजीशन है किसान की उसमें काफी हद तक वीक तो थी ही, पर जमींदारों की जो पोजीशन थी वो भी काफी हद तक वीक नजर आती है, क्योंकि प्रेशर क्या था पड़ रहा था जमींदार के ऊपर। ब्रिटिशर्स को तो मतलब जमींदारों से था ना, किसान से आप 100 रुपए वसूले चाहे 200 वसूले, उसको कुछ लेना देना नहीं था जमींदारों को, सॉरी ब्रिटिशर्स को। उसमें स्ट्रांग पोजिशन ब्रिटिशर्स की थी, जमींदारों की थी। यहाँ पे जवाबदेही जमींदारों को थी किसान ब्रिटिशर्स को लेके, ना कि किसानों की थी। आप 100 रुपए पैदा करें चाहे 200 रुपए पैदा करें, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि हमें तो 200 रुपए महीने का चाहिए ही चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप खेत में गेहूं पैदा कर रहे हैं कि ज्वार पैदा कर रहे हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है, 200 महीने का तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो उसमें मार किसको पड़ रही थी, जमींदारों को और अल्टीमेटली किसानों को, इन दो लोगों के ऊपर। यही कारण रहा कि महलवाड़ी और रैतवाड़ी में जाकर पोजिशन काफी हद तक वीक नजर आती है। फाइन एवरीवन, सवाल को ठीक से पढ़ें, एनटी यही चेक करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्या है आपका। राइट एवरीवन, फाइन, क्लियर है? परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही थी, 1793 में ये भारत में आता है, ठीक है जी। चलिए, ये आपके सवाल थे आज के, कल्टीवेशन की बात हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब अभिजीत ने बाद में दिया है, कह रहे हैं डी होना चाहिए, नमिता कह रही है डी, आशा कह रही है डी, वेल डन टू ऑल अभिजीत, अनमिता, अनाशा, ठीक है जी। कल का टॉपिक जो रहेगा आपका, ध्यान रखें जो आपको दिया गया शेड्यूल आपके इसमें मेरे टेलीग्राम के चैनल में, वहां से आप देख सकते हैं। साथ में 4 बजे की क्लास हमारी होगी साउथ इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये क्लास हो रही है सुगंधा अभिजीत के सजेशन के ऊपर। जो बच्चे कल जुड़े थे स्पेशल वाली क्लास में हमारे साथ, उनका कहना था मैम साउथ इंडियन के ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ाया जाए, टेम्पल के ऊपर जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, टर्म्स की बात है, उसके ऊपर सवाल बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आपका सवाल बनेगा। सुगंधा अभिजीत, नमिता, नसरीन, परव, और यहाँ पे कल हमारे साथ निखत थी, नसरीन थी, शशि कल नहीं जुड़ पाए थे, आशा हमारे साथ थी, मैक्सिमम बच्चे कल साथ थे हमारे। तो उनके सजेशन को ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाई गई है। देखिए ध्यान रखिए, यूट्यूब का जो सेशन है आपका, और नेहा हमारे साथ थी, और यूट्यूब का जो सेशन है और आपका जो स्पेशल वाला सेशन है, देखिए बिल्कुल फ्री है आपके लिए, कुछ देना नहीं है आपको। तो आराम से अपना सजेशन दीजिए, जो आपको पढ़ना है, जहां से आपको समझ में नहीं आता है, क्वालिटी कंटेंट अच्छा मिल रहा है। क्लास जब खत्म होगी इसकी पीडीएफ जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम के चैनल से, वहां से आप निकाल कर आराम से एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ें। एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को पढ़कर एमसीक्यू करके इस पीडीएफ से 7 से 8 सवाल आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। ओके, नेशनल मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो 4 बजे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। साउथ इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास क्या है, चोला चेरास के पांड्यस के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेड के बारे में, संगमेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से बनाता है एनटीए सवाल। मैंने पहले भी कहा कि सब कुछ नहीं पढ़ना, वही पढ़ना है जो एनटीए सवाल पूछता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, कमेंट बॉक्स में बता के जाए, मैंने कल भी कहा था, मुझे नहीं पता कि आप लोग कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं क्वेरीज को डालते। अगर आपका कोई सवाल है तो क्वेरीज को वहां पे डालिए कमेंट बॉक्स में। आने वाले दिनों में आप क्या पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं वहां से कमेंट बॉक्स में, वहां पे अपने क्वेरीज को डालिए, ताकि मैं उसको पढ़कर वीडियोस उसके हिसाब से बना पाऊँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्फॉर्मेशन, कल से मिलेंगे हम लोग 4 बजे कहाँ पे, प्लस के सेशन में डिस्कस करूंगे आपके साथ स्टोन एज एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। तो एनरोल कर लीजिए, लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोनिया सिंह के नाम से सर्च करेंगे तो लिंक आपको हमें मिल जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सुगंधा, सुप्रिया, विजय, परव, नसरीन, शशि, सुगंधा एंड नमिता, अभिजीत, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं आपके साथ 4 बजे, डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक है जी। सुगंधा कल का जो पढ़ना होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए जाके, ओके। टिनटिन कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल, नो नीड टू से थैंक्स, देखिए इट्स आर ड्यूटी टू डू, हम अपना एफर्ट्स कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट एफर्ट कीजिए, पर ध्यान रहे कि दोनों का एम सेम ही है, आपके मेंटर का भी और आपका भी सेम एम होना चाहिए, जो है जेआरएफ को क्वालिफाई करना। टारगेट्स को हाई रखिए, मोटिवेट रहिए, एग्जाम जरूर निकलेगा, डीमोटिवेट मत होइए, एंड आपका कॉन्फिडेंस और राइट अप्रोच ही आपको पेपर क्वालिफाई करवा सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।